कर रही थी इतनी देर पहले। तो ये फारुख हेलो, रजनीगंधा को खास रिक्वायरमेंट बताओ, खास। टियाना सागर, हेलो सर, कैसे हैं? टियाना जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? भाई मेरा एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। टियाना जी अब तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं रूम से हूँ और मुझे बता दीजिएगा यहाँ से ठीक आवाज़ वगैरह आ रही है नहीं आ रही है, अदरवाइज हम वैसे ही बाहर जैसे बैठते थे वहाँ से बैठ वहाँ बैठ जाएंगे। तो अभी क्या मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। ओके भाई, मेरे एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, फुल सनलाइट में रखा है। फिर देखिए अभी जब तेज हीट होती है उस टाइम पे सभी प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती तेज हीट के कारण, जैसे कि तेज सर्दियां होती है उस टाइम पे होती है, सेम वैसे ही। उर्वशी जैन, हाय, आप तो बहुत काम है, रिप्लाई भी नहीं करते। उर्वशी जी मैं कितनों के पे तो मैंने जाना बंद कर दिया है, इंस्टाग्राम पे मेरे दो अकाउंट है दोनों पे, और दूसरा यूट्यूब पर कितने रिप्लाई करने पड़ते हैं यूट्यूब पर, एक तो यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं उनकी रिप्लाई करनी होती है, दूसरा यूट्यूब के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको कम्युनिटी टैब है उस पर रिप्लाई करनी होती है, जो स्टोरी है उस पर करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम। और मैं अगर सारा दिन रिप्लाई करूंगा तो काम कौन करेगा? एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबको लगता होगा अगर मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ सारा दिन, तो देखिए यहाँ पे भी काम चलता रहता है, इस साइड पीसी पे भी काम चलता है, तब जाके जो है पूरा काम होता है। सारा दिन में यहाँ ये अपना यहाँ पे बैठ के मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं सबको दिखा देता हूँ। आप सबको लगता होगा ये सारा दिन ऐसे ही फ्री बैठा रहता है, तो देखिए फ्री नहीं बैठा रहता, मैं सारा दिन काम करना होता है यहाँ पे, तभी जो है वीडियो आपको मिल पाती है टाइम पे। ओके यार मुझे ये बताना आवाज उस ठीक आ रही है नहीं, अदरवाइज हम बाहर चलेंगे। बेसिल प्लांट की केयर तो ये, देखिए बेसिल प्लांट पे ज्यादा आपको केयर करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो स्टार्टिंग में केयर करने की जरूरत है, अदरवाइज आप जैसे कि हम नॉर्मली जो लगाते हैं वैसे ही आप लगा सकते हैं प्लांट। यूनिक गार्डन, हेलो टियाना, आवाज आ रही है अच्छी। ओके शुक्रिया टियाना जी, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ यूनिक गार्डन। कल्पा जोशी, हेलो भैया कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ कल्पा जोशी जी। डिम्पल शर्मा, राम राम भाई, राम राम। अरे यार गर्मी तो यहाँ मरवा दिया, मैंने पंखा तो बंद कर दिया। राम राम शर्मा, हेलो। मेरे सभी प्लांट्स में छोटी लाल चींटियां बढ़ गई है, कोई घरेलू उपाय? देखिए चींटियां जो है इस टाइम पे आती है, गर्मी लगती है उनको भी, तो वो क्या पोट्स में जो पानी होता है जब हम पानी देते हैं तो उसमें थोड़ी ठंडक होती है, इसलिए वो उसके अंदर चली जाती है, तो इसलिए गर्मी की वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो अंदर आ जाती है, और इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है। आप पोट के चारों तरफ या तो हल्दी डाल दीजिए, उससे भी काफी हद तक जो है ठीक हो जाएगा, अदरवाइज एक दवाई आती है इंसेक्टिसाइड पाउडर बोलते हैं उसको, वो डाल सकते हैं। ओके हाई स्टे होम सेफ। ओके शुक्रिया संकेत जी, भाई हम तो घर पे रहते हैं सारा दिन, मैं तो वैसे भी यहाँ पे रहता हूँ। शुभम भाई कहते हैं लौकी की बेल पर चींटी आती है, देखिए लौकी की बेल पे वैसे नॉर्मली तो नहीं आती, लेकिन अगर कोई इंसेक्ट वगैरह ले जाते हैं तो उसको खाने के लिए वो आ जाते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या कुछ लिक्विड छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो चींटियां आने लगती है। राजवीर सिंह, यार एक मिनट बताइएगा मुझे। ओके राजवीर विजय भाई, मेरे पास एक मैंगो का प्लांट है, उसे फ्रूटिंग हो रही है, अगर बारिश में उसकी कटिंग लगाऊं तो कटिंग पर फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी? किसी का मैंगो का? भाई मैंगो की आई थिंक जो कटिंग है वो इतनी इजीली ग्रो नहीं होगी, एयर लेयरिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उस पे जो है फ्रूटिंग जो है उसी टाइम तो नहीं होगी, हाँ 2 साल आई थिंक लग सकते हैं कम से कम। टियाना सर कहते हैं सर मेरे पास अब बहुत सारे स्नेक प्लांट हो गए हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है, और इसी तरह से आपके जो प्लांट है स्नेक प्लांट वो बेबी ग्रो करते रहें, उनके छोटे छोटे बेबी जो है वो बनते जाएंगे, उनकी जो फैमिली है काफी बड़ी हो जाएगी, और कुछ दिनों में आपको वो है कि नर्सरी जो है वो दे देंगे, स्पेशलिस्ट बना देंगे आपको स्नेक प्लांट का। दानी वरुण जी कहते हैं मैं पीपल का बोनसाई बनाने का ट्राई किया है, उसकी ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं? देखिए ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन बोनसाई के अंदर क्या होता है आप या तो वायरिंग कर सकते हैं या उसको जो है क्लिप एंड ग्रो मेथड होता है उसके थ्रू बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लिप एंड ग्रो जो मेथड है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको वायर की जरूरत नहीं होगी, और वायरिंग इसमें जब करते हैं तो जो ब्रांच है उसको डाईबैक की दिक्कत होती है, तो या तो आप देख लीजिए आपको किस तरह से करना है, अगर लंबी ब्रांच करेंगे तो फिर आपको कट करना पड़ेगा बाद में,
तो इससे अच्छा आप क्लिप एंड ग्रो मेथड जो अपनाएंगे तो वो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। ब्लैक हेड एडिटर भैया, मैं बॉन्साई पर एरिया रूट्स के लिए रूटिंग हार्मोन यूज कर सकता हूँ क्या स्प्रे करके पानी के साथ? देखिए रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं, अगर आपका जो बॉन्साई है वो फाइकस की फैमिली से है जिसपे रूट्स आती है एरिया रूट्स, तो उसके लिए आप जो है उसके अंदर उसके आसपास का जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छी बनाएंगे तो उसपे रूट्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे कि रेनी सीजन में अपने आप ग्रो कर जाती है। तो इसके लिए आप जो मिस्टिंग है वो कर सकते हैं 2-3 टाइम गार्डनिंग विद कानून। हाँ सर मैं अभी न्यू गार्डनर हूँ, चलो वेलकम टू गार्डनिंग। कैसे हो सर? मोहम्मद नसीर जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सुनाइए। योगेश सिंह कहते हैं नमस्ते, राम राम जी सैनी जी, राम राम योगेश सिंह। टीना गुप्ता कहते हैं मोगरा प्लांट पर बिना फर्टिलाइजर के ज्यादा फूल कैसे लें? देखिए ज्यादा पता नहीं, यहाँ कोने में रूम में मैंने रखा था इस बार, क्योंकि एक दोस्त है उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आते है कि वो बाहर नहीं रख पाते प्लांटों को, तो वो क्या कभी खिड़की में कभी एसी रूम में, तो उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने एक दो बार मेरे से पूछा, तो मैंने सोचा था उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह से काफी को प्रॉब्लम होती होगी, इसीलिए मैंने कहा जो मोस्टली मेरे प्लांट्स है वो यहाँ रूम में रख लिए ताकि मैं देखूं इनमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो अभी तक मैंने जितने प्लांट्स रखे हैं कोई खास प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं है, सिर्फ वाटरिंग अगर आप टाइम पे करते हैं तो कोई खास प्रॉब्लम इनके अंदर आती नहीं है। सिर्फ मेन जो है वो आपको वाटरिंग का और जो ब्राइट लाइट है वो, यानी कि जिनको लाइट की जरूरत होती है उनको ब्राइट लाइट दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो मोगरा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल यहाँ पे रूम का जो दरवाजा है उसके बिल्कुल सामने रखा है, तो देखिए इंडोर, वैसे कहते हैं कि जो फ्लोरिंग है वो इंडोर नहीं हो पाती, लेकिन उसमें जो फ्लोरिंग है वो स्टार्ट हो रही है, मैं कभी स्टोरी में डाल दूंगा। ओके राजवीर सिंह कहते हैं भाई क्या अभी रात की रानी मोगरा कटिंग ग्रो कर सकते हैं? देखिए वैसे तो इसका सीजन अभी नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप किसी भी टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। ओके योगेश सिंह कह रहे हैं मस्त आवाज आ रही है, भाई मस्त आवाज तो आ रही है लेकिन मेरे को पसीने आ रहे हैं, यहाँ पे फैन नहीं चला रखा मैंने, अगर आप कहो तो मैं एक बार फैन चला के चेक करूं आवाज आती है नहीं, आएगी नहीं आवाज आपको ठीक से, चलो कोई नहीं थोड़ी देर। दोस्तों मेरे मैंने बताया था नेट में प्रॉब्लम है, तो मैं जो भाई का फोन है वो उठा लाया यार, इसका मैंने ऑन किया हुआ है। ओके एक मिनट रुकिएगा, मैं जो नीचे जिनके रह गए थे उनकी क्वेरी एक बार रीड कर लेता हूँ। भाई कौन सा मेरे रूट्स का हो गया? कैसे सर मैं अच्छा हूँ। मोगरा प्लांट का फर्टिलाइजर ज़्यादा फूल कैसे? देखिए फर्टिलाइजर की जो टाइम है वो अभी नहीं है, मैं जब पहले मैंने वीडियो डाला था तब मैंने आपको बताया था किस टाइम पे फ्लोरिंग कर, जो फ्लोरिंग के लिए किस टाइम पे आपको डालना चाहिए, जैसे ही जो फरवरी स्टार्ट होती है उस टाइम पे आप जो है अच्छे से इनके अंदर जो फर्टिलाइजर है वो डाल सकते हैं, ताकि गर्मियों में आपको तेज गर्मी में ना देना पड़े। योगेश सिंह आवाज आ रही है मस्त, चलो शुक्रिया। चंद्रा सोलंकी हेलो हेलो, मैंने केले के छिलकों को सुखा के रखा है यूज करूँ प्लांट्स में? हाँ कर सकते हैं, इस पर आई थिंक मैंने वेबसाइट पे जो है वो आर्टिकल लिखा है वो आप चेक कर लीजिएगा। ब्लैक हेड एडिटर आवाज ठीक है ओके। रवीश हेलो, जीतू मीना कहते हैं मेरे सभी प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं, थैंक यू फॉर सपोर्ट। शुक्रिया जीतू जी अपना फीडबैक देने के लिए। गार्डनिंग विद आशी कहते हैं हेलो सर, आपकी वीडियोस देखकर मैंने गार्डनिंग करने का शौक हुआ और अभी एक चैनल भी बनाया है, गार्डनिंग वीडियो पोस्ट करता हूँ, लव्स लव फ्रॉम पाकिस्तान। चलो बहुत अच्छी बात है आशीष जी, और शुक्रिया आपने अपना जो फीडबैक दिया हमें। ओके चंदा सोलंकी हेलो, हरीश गुलाटी भाई कैक्टस प्लांट के बीज कब लगाएं? रानो देख कैक्टस प्लांट के बीज आप इस टाइम पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनकी केयर करनी पड़ेगी जब वो ग्रो करेंगे। लेमन ग्राफ्टिंग और मौसमी प्लांट प्लीज अरेंज लाइव ग्राफ्टिंग सेशन। ओके लाइव ग्राफ्टिंग यानी ग्राफ्टिंग आपको सीखनी है वो लाइव में आके। देखिए मैं ग्राफ्टिंग तो करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे क्या अच्छे प्लांट्स नहीं है, जो मदर प्लांट्स होते हैं वो अच्छे नहीं है, अदरवाइज मैं करता। मैंने जो हिबिस्कस पे तो इस बार किया है वो आपको वीडियो दिखा दूंगा, शायद मुझे मिल गई तो क्लिप। ओके मस्त है। टर्टल वाइन की कटिंग लगा सकते हैं क्या? हाँ भाई लगा सकते हैं। राकेश भाई मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सुनिए आप कैसे हैं? भाई आप कहाँ रहते हैं? भाई मैं घर पे रहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं हरियाणा से हूँ। जीवन कुमार भाई हेलो हेलो, मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो सेंड की है, रिप्लाई नहीं किया आपने। राजवीर सिंह भाई देखिए एक दो दिन से मैं थोड़ा बिजी था और आज जो है क्योंकि लाइव सेशन जब खत्म होगा उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो मैं आप सबकी जो रिप्लाई है वहाँ पे कर दूंगा। या जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं क्या एडिटिंग में काफी टाइम लग जाता है वीडियो एडिट करने में। ओके ये रिजवान अरशद यार हेलो फ्रेंड्स हेलो,
हाय सर, कैसे हो भाई? मजे में। ओके, कल बताओ सी भैया, आपने राइस दाल के पानी को फर्टिलाइज डालने को बोला था, बट गुजरात में मोस्टली राइस बोरिक पाउडर एंड दाल ऑयल लगाते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं? देखिए पता नहीं, मुझे तो ऐसी चीजें भी लगी होती है कहीं के अंदर, आजकल सब कुछ मिलावट आने लगे है। आप अगर ट्राई करना चाहें तो पहले एक प्लांट में ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप चेक कीजिएगा, एक या 2 दिन के लिए प्लांट को छोड़ दीजिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप बाकी प्लांटों में भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, मैं यार 2-3 प्लांट ये लेके अभी यहीं पे रखे हुए हैं, इनको भी जो है पॉट करना था, मैंने लाइक कर दिया। चलो वहां बाकी सब भी लाइक करो, मैंने लाइक कर दिया। शिवम जी शुक्रिया। लकी कहते हैं मेरे सारे गुलाब के पत्ते पीले होके गिर रहे हैं, क्या करो? न्यू ग्रोथ भी दिखाई दिख रही है। हेलो हेलो, कनेर के फूल मोहम्मद नाजिर, हेलो। कनेर के फूल कौन से सीजन में आते हैं? भाई कनेर पे इस टाइम पे फ्लोरिंग हो रही होगी अच्छे से, मैंने वीडियो भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा हो तो। जीवन कुमार जी का मैसेज डिलीट है, आवाज आपकी वाइब्रेट कर रही है, क्लियर नहीं है। उर्वशी, उर्वशी जी कमरा एक्चुअली में क्या गूंज रहा है, ये पहले खाली पड़ा हुआ था, सिर्फ मैंने इसको अपना काम करने का जुगाड़ यहाँ पे किया हुआ है, अदरवाइज ये बिल्कुल खाली था, इस वजह से यहाँ पे आवाज आ रही है। तो चलिए हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के बैठते थोड़ी देर। यार यहाँ वैसे भी गर्मी बहुत हो गई है, अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ गए, बहुत बुरा हाल हो गया। पीछे यहाँ बैठते हैं, अब तो ठीक है। ओके ओके ओके, उर्वशी जी आप देखिए आवाज ठीक है, आप सब कह रहे आवाज ठीक आनी चाहिए तभी फायदा आने का। ओके, चंदा सोलंकी कहते हैं माई मैंगो ट्री नॉट हैविंग फ्रूटिंग 7 ईयर। देखिए जो मैंगो ट्री है, अगर आपने सीड से लगाया है तो वो 10 साल भी ले सकते हैं, 12 साल भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं, जो बीज से आप लगाते हैं भले ही टाइम लेगा, लेकिन जो प्लांट है उसकी एज काफी अच्छी होती है, जो फ्रूटिंग है वो भी काफी अच्छी आती है उस पर। जी तुमने कहते आवाज आगे पीछे आ रही है, आगे पीछे क्योंकि बीच में जो है डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। ओके, 1 मिनट रुकिए, मैं मेरे वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ, ये भाई के फोन से कनेक्ट। थूजा प्लांट पर सीवीड स्प्रे कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन सीवीड स्प्रे का एक ध्यान रखिएगा, ज्यादा देंगे तो प्लांट जो है वो खराब हो सकते हैं। मैंने एक बार मेरे पास पड़ा हुआ है, एक्चुअली मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ एक बार मैंने ट्राई किया था इसको, और ट्राई करने के लिए मैंने एक जो खरपतवार होते हैं उस पर ट्राई किया था, तो उसमें मैंने दाने जो है कुछ ज्यादा डाल के देखे, तो प्लांट जो है 2 दिन बाद रफू चक्कर हो चुका था वहां से। ओके, यूनिकॉर्न सभी को समझना समझाना बहुत क्वारी होती है, आप सभी के क्वारी का आंसर देते हैं। हाँ यूनी गार्डन, देखिए यूनी गार्डन आई थिंक एज में काफी छोटे होंगे, और ये भी जो मेरी जो सिचुएशन है वो समझ सकते हैं कि मुझे काफी क्वेरी करनी पड़ती है, काफी वैसे भी काम एडिटिंग का है, शूटिंग का है, बहुत सा काम होता है, और मैं करने वाला अकेला हूँ, सबसे दिक्कत की बात ये है कि मैं अकेला अकेला करता हूँ सारे काम, तो उस वजह से यार मैं थोड़ा सा टाइम जो है मेरे पास कम होता है, तो आप समझा करें। यूनिकार्ड स्टार्टिंग से हमारे साथ है तो इनको पता है सारी चीजें। बताइए कैसे, बताइए भाई किससे प्लांट अच्छे से ग्रो करें और हेल्थी। तो ये कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं? सारे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे, टाइम पे आप उनको वाटरिंग कीजिए, सही से वाटरिंग कीजिए, बस धूप दीजिए, बाकी मैं बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें। ओके, जीवन कुमार कहते हैं नागदौन पौधे पर वीडियो बनाओ, नागदौन पौधे पर इंग्लिश और हिंदी में नागदौन कहते हैं। जीवन कुमार जी मुझे पता नहीं, मैं चेक करूंगा इसका, एक बार देखूंगा कौन सा प्लांट है, फिर आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में। ओके, लकी लाल कहते हैं कद्दू में फूल आ रहे हैं बट कद्दू नहीं आ रहा, क्या करें? लकी लाल देखिए, लकी लाल देखिए ऐसा इसलिए होता है, जब जो पोलिनेशन की प्रक्रिया है उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैंने देखा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने जो खरबूजा लगाया था उसके अंदर क्या पोलिनेशन नहीं हो रहा, फूल आते हैं ना गिर जाते हैं, तो अब मैं समझा कि ऐसी प्रॉब्लम आप सबके साथ भी इसीलिए होती है, जो पोलिनेशन है वो अच्छे से नहीं होता, या तो आप हैंड पोलिनेशन कीजिए ताकि आपके प्लांट पे जो है फ्रूटिंग हो सके। मैंने एक बार यहाँ पे एक खरबूजे की एक तरबूज की वो लगाई थी, उस वजह से और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मेन कारण हो सकते हैं अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो। ओके, टियाना सागर कहते हैं लगता है यहाँ बैठकर आपको गर्मी लग रही है। अरे यार गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है टियाना जी, अंदर क्या, एक तो रूम है, ऊपर का रूम है, यानी कि ऊपर धूप जब तेज होती है तो ऊपर वाले रूम में गर्मी तेज होती है,
दूसरा क्या है, अंदर से हमने कमरा जो है वो फैन जो है वो बिल्कुल बंद कर रखा है, तो उस वजह से ज्यादा गर्मी हो गई थी। राकेश कुमार कह रहे रोमांटिक लग रहे हैं मुझे भाई। रोमांटिक का मैं तो समझा नहीं यार, रोमांटिक कैसे लगते हैं, रोमांटिक मौसम तो रोमांटिक हो रहा है, आपको दिखाता हूँ आज बाहर का जो मौसम है बिल्कुल रोमांटिक है, देखिए बिल्कुल छाया है, बारिश का सा मौसम हो रहा है, मैंने स्टोरी भी डाली थी अगर आपने देखी हो तो इंस्टाग्राम पे। ओके भाई, लेमन प्लांट की कटिंग को फ्रूट कब लगते हैं और एयर लेयरिंग का बाद कितने में फ्रूट हो जाते हैं? देखिए कटिंग जब आप लगाते हैं तो एक बार तो आई थिंक उसी टाइम अगर आप लगाते हैं जिस टाइम फ्रूटिंग होने वाली है तो एक बार तो वैसे आ जाएंगे, उसके बाद एक या दो साल नहीं आएंगे फिर जो है स्टार्ट हो जाते हैं। कटिंग में भी ऐसा है, कटिंग लगाएंगे तो 2-3 साल में लग जाती है और एयर लेयरिंग में भी 2-3 साल में फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। राहुल सैन भाई, मेरे मोगरा प्लांट के लीव्स पे वाइट वाइट धब्बे हो गए हैं, क्या करें? देखिए आप मुझे फोटो दिखाएगा, वाइट धब्बे एक तो इंसेक्ट की वजह से हो जाता है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी ऐसा हो सकता है, तो आपके प्लांट को देखकर पता चलेगा पत्ते कैसे हो रहे हैं उसके। ओके राजवंती जी कहते हैं सर मेरे रोज प्लांट बिल्कुल नहीं चले, क्या करूं, बहुत कोशिश की है पर सूख जाते हैं रोज प्लांट। देखिए रोज प्लांट के अंदर मेन जो कारण है दो तरह की होती है, एक तो फंगस की वजह से, दूसरा जो स्केल इंसेक्ट है उनकी वजह से, तो ये दो प्रॉब्लम का आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट खराब नहीं होंगे। तारिका जी कहते हैं लोग सी वीड प्लांट्स में यूज करने को बोलते हैं लेकिन जल्दी मिलता ही नहीं ये फर्टिलाइजर। हाँ ये नॉर्मली आपको जो है लोकल शॉप पे नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा फेसबुक पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। कपिल त्यागी हेलो, यूनिकॉर्न थैंक्स फॉर रिप्लाई, आप मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आप बहुत अच्छे तरह से समझा देते हैं, आप मेरे बेस्ट गार्डनिंग चैनल में से हो, शुक्रिया यूनिकॉर्न भाई, अच्छा है आप सबको समझ आ जाए, बस इतना ही चाहिए अपने को। तलाल साजिद कहते हैं मैंने लाइक कर दिया वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया तलाल साजिद। अथर्वा जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं और सुनाइए क्या हालचाल है आपके वहाँ के। ओके रंजाना अग्रवाल कहते हैं वेजिटेबल गार्डन अपडेट वीडियो बनाइए, अपने गार्डन में क्या क्या लगाया। देखिए मैंने ऊपर तो मैंने आपको बताया था खरबूजा, एक तरबूज जो सैंपल के लिए मैंने लगाया, कुछ भिंडी लगा रखी है, भिंडी तो लग गई है छोटी छोटी, ग्वार लगाया था वो भी लगा हुआ है, एक एक दो पॉट में सैंपल के तौर पे मैंने लगा रखे हैं, हालांकि उसके आई थिंक मैंने जो लगाया था उसके वीडियो, बाकी मैं अपडेट में आपको दिखा दूंगा। और खेत में भी हमारे जो कुछ सब्जियां लगी हुई है तो इसका एक वीडियो हम बना देंगे। ओके भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हाँ अगर जब अंदर था तब नहीं आ रही होगी, अब तो आई थिंक ठीक आ रही होगी। कहना सागर सर आपका वीडियो ब्लर हो रहा है, कहना जी सॉरी, लेकिन वो अंदर जब हम थे तब जो मैंने नेट की प्रॉब्लम आई थी, इंटरनेट जो है वो डिसकनेक्ट हो गया था, तो मैंने दूसरे फोन से उसको कनेक्ट किया तो बीच का जो गैप था उसकी वजह से जो है वो ब्लर हो रहा था, और बाकी मैं अगर बाहर आया तब हो गया होगा थोड़ा बहुत, बाकी अब ठीक आ रहा होगा। अच्छा बाबा बोल पैरेट की जान बच गई, हाँ जी उर्वशी शुक्रिया अथर्वा जी। उर्वशी जी कहते हैं आपकी वजह से दो प्लांट खिल गए वापस और एक रिप्लाई देने की वजह से सड़ गया। देखिए ऐसी बात नहीं, मैं अगर प्लांट के आपकी रिप्लाई कोई करते हैं तो मैं चेक करता रहता हूँ, आप क्या बिल्कुल जब प्लांट मरने को उस टाइम पे क्यों क्वेरी करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आप पहले क्वेरी करें। अब देखिए आप जब बिल्कुल प्लांट मरने को है तब क्वेरी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही वेट कर रहा हूँ कि कब ऐसी रिप्लाई आए कि उनका प्लांट मरने वाला है कब मैं रिप्लाई करूँ, तो मुझे भी टाइम लग सकता है। सपोज कीजिए आपने सुबह में रिप्लाई किया प्लांट मरने वाला है और मैं इवनिंग तक जो है नहीं देख पाया, तो दोपहर में ही जो है प्लांट खराब हो सकता है, तो आपको पहले बताना चाहिए जब प्लांट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो उस टाइम पे। यूनिकॉर्न आपकी साउंड अच्छी है, ओके शुक्रिया यूनिकॉर्न भाई। ओके फन पे कहते हैं कि सभी प्लांट की साथ ग्राफ्ट किया, ओके सभी प्लांट को सभी के साथ नहीं कर सकते, जो एक जो किस्म होती है जैसे मैंगो की है, मैंगो की जितनी वैरायटी है उनके आपस में ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं, कुछ में हो भी जाती है जैसे कुछ में जैसे प्लांट कुछ हो रहा है यानी कि एक फ्रूट दूसरे तरह के फ्रूट पर भी हो जाता है, लेकिन सभी नहीं होते। मैंने एक कैक्टस है मेरे यहाँ पे, वहां पे मैंने जो सकुलेंट की 2-3 ग्राफ्ट, आप क्वेरी धीरे धीरे कीजिए। मोहम्मद नासिर रोज प्लांट पर वीडियो बनाइए, ओके ओके भैया हमारे रात की रानी के प्लांट सूखने लग गए हैं उस पर
सैनिटाइजर का स्प्रे हो गया था गलती से, सूख गया, कृपया बताए। देखिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम जब आप कर देते हैं, ओवर फर्टिलाइजर ऐसा कुछ कर देते हैं, तो प्लांट के अंदर सबसे बेस्ट ये है कि पहले उसके अंदर अच्छे से वाटरिंग करें, 3-4 दिन उसमें अच्छे से वाटरिंग करें, यानी कि जब पानी निकलने लग जाए इस तरह से तो उसको निकलने दें, और डालते रहें और निकलता रहे, इस तरह से आप कर सकते हैं, उसमें कोशिश कर सकते हैं। बाकी मुझे फोटो दिखाएगा तो मैं बता पाऊंगा। ओके, केच रेवान असर कहते हैं लेमन के फूल लगते हैं और वो गिर जाते हैं लेकिन फल नहीं बनता, देखिए इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वाटरिंग ज़्यादा देने से हो सकते हैं, तो ये आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड है आप कैसे प्लांट को केयर कर रहे हैं। लाइव रुक रहा है यूनिकॉर्न, हाँ भाई वो बीच में रुका था फन पे। हेलो विभद्रा, सत श्री अकाल सनीपा, सत श्री अकाल जी। ओके, मेरे पास बर्गर का प्लांट है, उसकी हार्ड प्रूनिंग कब करूं? देखिए फरवरी के अंदर आप कर सकते हैं, फरवरी का जो मंथ है वो ठीक है, बाकी आप जरूरी है तो अक्टूबर में कीजिएगा। अभिराज शर्मा, मेरे व्हाइट हिबिस्कस के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, क्या करें? देखिए अगर बिल्कुल पानी कम कर रखा है तो उसकी वजह से भी जो पत्ते पीले पड़ सकते हैं, दूसरा अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया है तो भी ऐसा हो सकता है, और कुछ पत्ते होते हैं तो वो मेच्योर होकर भी गिर जाते हैं, तो देखना पड़ेगा। प्लांट कपिल जी कहते हैं क्रोटन के प्लांट मुरझा गए हैं। देख क्रोटन के प्लांट में खास कर ये प्रॉब्लम आती है कि क्रोटन का प्लांट जब आप लाते हैं तो चिकनी मिट्टी के अंदर होता है, उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, मैंने 3 प्लांट लगा रखे यहाँ पे, स्टार्टिंग में मेरा भी जल गया था इसी तरह से, फिर मैंने देखा है चिकनी मिट्टी की वजह से जल रहा है तो मैंने उसको चेंज कर दिया। यूनिक गार्डन, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हाँ भाई लाइक और शेयर कर दो, शुक्रिया यूनिक गार्डन भाई, कर देंगे जिनको करना होगा, अब इनको बार बार ज्यादा हम नहीं कहेंगे। आशीष चौधरी कहते हैं विजय भाई ग्वार को अभी ग्रो कर सकते हैं? हाँ भाई ग्रो कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दे कि इस टाइम पे कौन कौन सी सब्जियां हम लगा सकते हैं, क्या कहते हैं आप, बना दे एक वीडियो। करण कुमार कहते हैं गुआवा पर हिबिस्कस में कीड़ा लग गया, घरेलू उपाय बताइए। गुआवा और हिबिस्कस में देखिए आई थिंक आप जो मिलीबग की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे जो मिलीबग है उसका जो प्रकोप ज्यादा चल रहा है, तो उसके लिए मेरा एक वीडियो है, आई थिंक 2 वीडियो है, एक में मैंने उस पर जो है जो ट्रीटमेंट है वो किया था, दूसरे में मैंने उसका रिजल्ट दिखाया है, तो वो दोनों वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे मोगरे की कली खुलने से पहले ही ब्राउन होकर गिर जाती है, ऐसा क्यों? देखिए एक तो इंसेक्ट की वजह से होता है, दूसरा जब तेज हीट होती है, जब लू चलती है, उसकी वजह से भी प्लांट की जो बर्ड्स है, जो फ्लोरिंग बर्ड है, वो गिर जाता है। मैंने एक चीज देखी, मेरा जो मोगरा है वो जब यहाँ बाहर रखा था गर्मी में धूप में, तो उसके जो फूल है वो यानी कि खिलते और उसी दिन गिर जाते थे, अब मैंने अंदर रखा है, आज 3-4 दिन हो गए अभी तो वो खिला नहीं है, सिर्फ जो बर्ड है वही है, तो यार ये सही लगा मुझे काफी दिन तक अगर रोकना। तो गेमिंग टाइम कहते हैं मेरी गुलदावरी फ्लोरिंग कर रहा है, भाई पीछे देखो मेरा भी कर रहा था, आई थिंक दिख रहा है नहीं वो, देखिए पीछे तो गुलदावरी की कुछ वैरायटी ऐसी आती है जो कि फ्लोरिंग करती है गर्मियों में भी, कुछ केयर के ऊपर डिपेंड होता है। गुलाब की कटिंग क्या लगा सकते हैं? भाई अभी मत लगाइएगा। टीना गुप्ता कहते हैं मॉनसून में कौन कौन से फ्लोरिंग प्लांट लगा सकते हैं? देखिए मॉनसून आने दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल, तो आप टेंशन मत लिया करें, मैं जैसे जैसे टाइम आता है उस हिसाब से जो वीडियो आप डाल देता हूँ, पहले मैं नहीं करता था ऐसे, लेकिन अब मैं क्या है आपकी जरूरत के हिसाब से जो वीडियो है वो डाल देता हूँ, और मैं क्या यार थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, अदरवाइज मैं क्या डेकोरेशन का और सोच रहा था कि हम घर को कैसे डेकोरेट करें प्लांटों से, तो इस पर भी मैं कुछ वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अकेला बंदा यार सारी चीजें नहीं कर सकता, अगर एक बंदा और साथ हो तो, और वो भी गार्डन लवर होना चाहिए पूरा पक्का, ऐसे गार्डन लवर कोई मिलता भी है कोई फ्रेंड तो क्या है वो दूर होते हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, अगर पास हो तो दोनों मिलके जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। ओके यार बाहर आंधी तूफान चल पड़ा। हेलो सर, आप प्लांट्स को पानी देते हैं सुबह या शाम? देखिए मैं शाम को भी दे देता हूँ, कभी सुबह भी दे देता हूँ, अब ये मत कहिए कि आप हमें तो कहते हैं रात को दीजिए, कि मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है इस वजह से, लेकिन आपके पास कम प्लांट्स है आप दे सकते हैं, मुझे जब टाइम मिलता है मैं दे देता हूँ। हाँ मैं दोपहर में कभी नहीं देता, इवनिंग में जब मौसम ठंडा हो जाता है उस टाइम पे दे देता हूँ, और मॉर्निंग वैसे मैं बहुत कम देता हूँ, मैं इवनिंग में देता हूँ, जब मैं बाहर निकलता हूँ काम करके तो मौसम ठंडा हो जाता है उस टाइम पे देता हूँ। ओके, केले के छिलके को सुखा कर रखें प्लांट्स में कैसे यूज करें? देखिए सुखा के रखें तो उसको आप चूरा कर लीजिए, और चूरा यूज कर सकते हैं गुड़ाई करके। आपके पास एलोवेरा की वैरायटी है क्या प्लीज शो? एलोवेरा का प्लांट है आई थिंक, मैंने अंदर रख दिया, कहाँ रख दिया, लास्ट टाइम तो आपको दिखाया था। हाँ ये देख लीजिए, एक बेबी प्लांट है जो मेन है मदर प्लांट, उसी से मैंने ये ग्रो किए हैं, तो इस तरह के 3 बेबी प्लांट मैंने ग्रो कर रखे हैं।
ओके ओके, आपको पीछे रस्सी वाला जो सिस्टम दिख रहा है कहाँ गया? ये वाला, इसमें देखिए दो पोर्ट्स है, एक पोर्ट नीचे भी है। अरे यार बहुत तेज आंधी आ रही है, देखिए यार कितनी तेज आंधी आ रही है। ओहो, मैं आपको आंधी दिखाता हूँ बैक साइड करके, और मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है? आप तूफान का मजा लीजिए, मैं तब तक आपकी रिप्लाई कर देता हूँ। आप एक किस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं? चित्रलेखा जी, देखिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, इस पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक लास्ट वीक हमने डाला है, तो आप वीडियो डेली चेक क्या करें, या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि जैसे नए वीडियो आए आपको पता चल जाए। सच कोई भी फ्लोर का सीडलिंग करता हूँ तो ग्रो होने के बाद मर्ज क्यों जाते हैं? देखिए आपके जो सोइल है उसमें प्रॉब्लम होगी, या तो उसके अंदर जो पानी है वो खड़ा रहता होगा, जो वेल ड्रेन सोइल नहीं होगा, उसकी वजह से जो है सीडलिंग जो है सड़ जाती है। आम का पेड़, भिंडी या और दूसरी सब्जी फल कैसे लगाएं? गुलाब ही सूख रहा है। देखिए सभी पर बिना खतरिया मैंने जो वीडियो है वो डाले हुए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बारे में यहाँ पे बताना मुश्किल है। तो इन सभी के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वो चेक कर लीजिएगा प्लीज। मंजू जोशी, हेलो। उर्वशी, बहुत बढ़िया है अब आवाज, ओके शुक्रिया उर्वशी जी। यहाँ पे अच्छा हुआ मैं आ गया, हवा चल पड़ी है, गर्मी भी नहीं लग रही। कल्पा जोशी, किचन आवाज ठीक है, ओके आवाज आने लगी है, चलो शुक्रिया। गार्डनिंग विद कानू कहते हैं सर, ड्रैगन फ्रूट एंड स्ट्रॉबेरी की सीडलिंग कब करनी चाहिए? देखिए जो इनकी स्ट्रॉबेरी की, जब आपके पास सीड्स होते हैं आप उस टाइम पे भी लगा सकते हैं इनको। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनको जब आप खाते हैं फ्रूट्स उसी टाइम पे इनकी जो सीड्स हैं वो लगा सकते हैं। मेरा गुलदावरी का प्लांट फ्लोरिंग हो रहा है, चलो अच्छी बात है। सर मेरे गुलाब के प्लांट में फ्लोर्स अच्छे नहीं आ रहे। चलिए हवा जो है वो कम हो गई है, तो वापस हम अपने सेटअप पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम एक भाई कह रहा था कि प्याज रखी है, तो भाई प्याज का ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे क्या है, प्याज जो हरियाणा में ज्यादा खाई जाती है, मैं पहले नहीं खाता था, पर मैंने किसी को देखा कि वो डेली जो है एक ट्रेंड है, डेली प्याज खा रहा था, तो मैं चलो मैं भी खा सकता हूँ अभी। तो प्याज क्या है, इस टाइम पे जो प्याज आती है मोटी होती है, मीठी होती है। सर मेरे गुलाब के प्लांट का हो गया है, मैंगो की ग्राफ्टिंग अब कर दी, उसके बड़ आ गए। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ओके। मोनिका पुनिया कहते हैं सर, लौकी की बेल लगी हुई है मेरे यहाँ, उसके लीफ में होल हो रहे हैं, नीम का स्प्रे कर रही हूँ। हाँ नीम का स्प्रे आप कर सकते हैं, उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह लगा हो देख लीजिएगा। करेले की ग्रोथ रुकी हुई है, 20 दिन से बढ़ नहीं रहा, कोई स्पेशल के बताइए क्या करें? हरदीप जी, देखिए आप फोटो दिखाइए प्लांट की। एक्चुअली में क्या होता है, आप प्लांट जब लगाते हैं तो एक तो स्टार्टिंग में ग्रोथ अच्छी करता है, उसके बाद कुछ दिन वो ग्रोथ रोकता है, फिर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट करता है, तो एक गैप उसको चाहिए, वो उसको तो हो सकता है उसकी वजह से ऐसा हो। बाकी आप कैसे उसे केयर कर रहे हैं मुझे पता नहीं, तो प्लांट दिखाएंगे तब पता चलेगा। सर आप सब्जी भी उगाते हो क्या? हाँ थोड़ी बहुत सब्जियां मैं वीडियो के लिए लगा लेता हूँ, बाकी घर के लिए जो है खेत में हम सब्जी लगा लेते हैं, एक दो क्यारी, यानी कि थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी भिंडी, थोड़े से ग्वार, इस तरह से वो सब भी आपको दिखा देंगे। ओके नमस्ते भाई जी, गुड़ैल के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, भाई पानी बता देंगे वैसे ऐसा हो सकता है, तो दिखा दीजिएगा फोटो। ओके उर्वशी जी कहते हैं बाकी सभी प्लांट अच्छे हैं, आपकी सारी वीडियोस देख ली मैंने, उससे भी फायदा हुआ है, शुक्रिया उर्वशी जी। होप आपके प्लांट ऐसे ही सही रहे, खराब ना हो। सुनील जी हेलो। मोहम्मद नासिर कहते हैं आप कहाँ रहने वाले हैं सर? मोहम्मद, मैं भाई हरियाणा से हूँ, हरियाणा से। चंदा सोलंकी, सर मैंने लेमन के प्लांट के फ्रूटिंग हो रही है लेकिन फ्रूट गिर जाते हैं, देखिए तेज गर्मी की वजह से भी कुछ फ्रूटिंग जो गिर जाती है, सभी फ्रूटिंग नहीं रुकती। जो मैंगो है, कोई भी प्लांट जब होता है उस पर जितनी फ्रूटिंग आती है वो सारी कभी नहीं रुकती है। आई थिंक 20% भी आप रोक लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे नींबू का ट्री साथ में फ्लोरिंग नहीं आई, देखिए वो बीच से लगाया हुआ है, उसको टाइम लगेगा, 10-12 साल भी लग सकते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा नींबू की, नींबू का प्लांट है, देखिए नींबू के प्लांट में आई थिंक 7 साल में तो फ्रूटिंग हो जानी चाहिए, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, आप 1 साल और वेट कर सकते हैं। प्लांट के अंदर जो जाला होता है वो निकाल लीजिए इस बार, और उसके अंदर जो खाद है फरवरी के अंदर जो अच्छे से खाद दीजिएगा, तो जरूर उसमें जो फ्रूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मीनाक्षी शर्मा कहते हैं मैंने गमले में लौकी और तोरी की बेल लगाई है, पर जब वो धीरे धीरे बढ़ रही है क्या करें?
गमले में जब लगाते हैं, गमले में क्या प्लांट को पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, जब जमीन में होता है तो प्लांट को जो जो चीजें चाहिए वो जमीन से ले लेता है, लेकिन आपने जो सोइल डाला है उसके अंदर हो सकता है प्लांट को पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा हो, तो आप उसके अंदर जब तक पूरा न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी। बाकी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक आपको मिलेगा। मेरा पीपल का कटिंग सूख गया, देखिए इस टाइम पे पीपल कटिंग आपको नहीं लगानी चाहिए थी, प्लीज कॉन्टेक्ट नंबर सुनिए जी, मुझे फिर उस पर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने लाइक कर दिया। विजय भाई, पंकज भाई शुक्रिया, 1 साल से ज़्यादा हो गया अनार में, फल कब आएंगे? भाई कम से कम 3 साल लग सकते हैं। केम छो भाई, पंकज भाई मजा में, आप सुनाओ। डिम्पल शर्मा भाई, मेरे खीरे और टमाटर के फल खराब हो रहे हैं, क्या करें? देखिए टमाटर के फल अगर नीचे से सड़ रहे हैं तो कैल्शियम की कमी हो सकती है, और भी कमी हो सकती है, जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर टमाटर के अंदर कैल्शियम की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। और क्या था, टमाटर और खीरा, खीरे में क्या, अरे बार बार डिस्कनेक्ट। आप जो इंस्टाग्राम है उस पर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पे मिलते हैं। मेरे पीपल का कटिंग सूख गया भाई, पीपल जो अभी नहीं लगाना देता। मंजू जोशी कहते हैं जैस्मिन प्लांट में फ्लोरिंग नहीं हो रही, प्लीज सजेस्ट। देखिए आप मुझे प्लांट दिखाइएगा, आपका प्लांट जो है बेल लग सकते हैं, हाँ बड़े गमले में भी लग जाएंगे, लगा लीजिए। रंजना अग्रवाल कहते हैं हेलो, अब प्लांट्स की वीडियो क्यों नहीं बनाते? देखिए बनाएंगे, वेजिटेबल के बनाएंगे, करेले का फ्रूट्स पक रहे हैं तो भाई पकेंगे, तोड़ोगे नहीं तो आप तोड़ दो टाइम पे राकेश भाई। बागवानी में पानी का कितना रोल होता है? मतलब मेरे यहाँ पानी में TDS काफ़ी ज़्यादा है। देखिए पानी जो है वो आई थिंक जो नमकीन पानी है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, TDS का तो मुझे पता नहीं है, जो RO वगैरह होता है उसकी तो कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जो कुएं का पानी है तो उससे कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। बाकी पानी से यार काफ़ी फर्क पड़ता है, हमारे कुएं में जो पहले पानी था उसमें अच्छी सब्जी होती थी, जबकि अब नीचे ज़्यादा चला गया है, जो पत्थर है पत्थर से पानी आता है तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाती। अपने PC फ़ोन और कैमरे को भी सैनिटाइज कर लीजिए। उर्वशी जी मैं सैनिटाइज तो तब करूँगा तब मेरे PC पे कोई आता होगा, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, कोई और टच करता ही नहीं, मेरे जितने भी इक्विपमेंट है उनको कोई टच नहीं करता, मैं खुद ही रखता हूँ मेरे पास, और मैं कहीं बाहर जाता नहीं हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं वैसे सैनिटाइज रखे। मैं अगर बाहर जाता हूँ तो मैं हाथ जो सैनिटाइज कर लेता हूँ। ओके गंगाधर तिवारी, कटिंग नहीं लग रही, हार्मोन कटिंग नहीं लग रही, हार्मोन शायद आप यूज कर सकते हैं, अगर आप हार्मोन की पूछ रहे हैं तो जो रूटिंग हार्मोन की। मेरे खिरने का प्लांट कैसा है? मेरा खिरने का प्लांट, भाई आपका खिरने का प्लांट तो मुझे पता नहीं, मेरा खिरने का प्लांट तो ठीक चल रहा है। रेन लिली के ज़्यादा बल्ब लेने के लिए कुछ टिप दीजिए। देखिए जो प्लांट है उसको ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पे थोड़ी सी पानी की नमी बनी रहे और जो मिट्टी है वहाँ पे सॉफ्ट हो, तो वहाँ पे अच्छे से बल्ब जो है वो तैयार हो जाएंगे। मैंने भी एक लगा रखे हैं यहाँ पे, कुछ उस साइड भी लगा रखे हैं। बेस्ट फ्लोर प्लांट्स परमानेंट, भाई 5 प्लांट रहिए भाई, परमानेंट फ्लोरिंग प्लांट पर मैं वीडियो बना चुका हूँ गुरु, जाके चैनल पे चेक कीजिए। दीपक जी आपने ये कौन सी लैंग्वेज में लिख दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। सर बैंगन में यार आपने ये जो फॉन्ट चेंज कर रखे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। उर्वशी कहते हैं आज आप बहुत खुश हो, शायद आप उस तरह से ज़्यादा प्यार हो गया। हाँ प्यार तो हो गया था, देखिए प्यार तो हो जाता है जब हम साथ रहते हैं किसी के तो हो जाता है, और देखिए मैं खुश हूँ अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए सबको। यूनिक गार्डन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपने बचाया जब आपने पोस्ट डाली थी तो शायद वीडियो तो हैप्पी हूँ, चलो अच्छी बात है। अंजू जी कहते हैं क्या कुकुम्बर को फ्रेश सीड से लगा सकते हैं? ठीक है फ्रेश सीड अगर पका हुआ है तो लगा सकते हैं, जरूर नहीं कि उसमें सारे सीड पके हो। दीपक भाई आपकी जो ये क्या बोलते हैं इसको फॉन्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा मुझे, तो आप या तो फॉन्ट चेंज करके रिप्लाई कीजिए या मुझे बाद में जो है इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। ओके फाइकस, फाइकस में जड़ कितने दिन में आता है? भाई फाइकस तो बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, उसमें अगर 2 महीने जड़ भी नहीं आएगी तो भी खड़ा रहेगा। साधना गुप्ता कहते हैं हाउ टू ग्रो स्नेक प्लांट बाय लीफ। देखिए लीफ से आप ग्रो कर सकते हैं, पानी के अंदर इसकी कटिंग लगा सकते हैं, मेरे यहाँ पे रखा हुआ है इसमें टमाटर का पेड़ लगा था, मैं आपको दिखा देता। बाकी एक बार एक प्लांट आपने लगा लिया तो उसमें प्लांट ही प्लांट लग जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे, उन्होंने आपको बताया था कि उनके जो स्नेक प्लांट है बहुत सारे ग्रो हो गए उनके पास,
उनको भी स्नेक प्लांट काफी पसंद है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लगा दिए बड़े बड़े। पुनीत जी कहते हैं मोगरे प्लांट में फ्लोरिंग अच्छी है पर पूरे प्लांट में येलोनेस है, क्यों? देखिए ये उसकी जो नाइट्रोजन की कमी से ऐसा हो सकता है, बाकी प्लांट को देखने पता चलेगा। चीकू का फ्रूट 3 महीने से प्लांट प्लांट पर लगा हुआ है लेकिन बड़ा नहीं हो रहा, क्या करूं? देखिए इसका एक कारण हो सकता है जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वाटरिंग जो है वो अच्छे से नहीं दे रहे होंगे, इस वजह से ऐसा हो सकता है। जो रूट्स है आपके प्लांट, जब रूट्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे नीचे तो भी ऐसा हो सकता है। जैसे इसका स्टूडियो हेलो साक्षी गोयल कहते हैं मेरे अलमेंडा पर फूल नहीं आ रहे हैं। देखिए प्लांट आपने कब लगाया था भाई, कैसे हो? तो इस पर स्टूडियो में मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। दोस्तों एक बात बता दूँ मैं आपको, 40 मिनट हमें हो गई है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे रहेंगे, तो आप जो क्वेरी है वो थोड़ा ज़्यादा मत कीजिएगा। ओके, मेरे हिबिस्कस के प्लांट में फ्लोरिंग नहीं हो रही, क्या करें? देखिए इसके लिए आपने मैंने पहले बताया था जो बनाना पील फर्टिलाइजर है वो आप डाल सकते हैं। भाई आप कहाँ से हो? भाई मैं हरियाणा से हूँ, इंडिया से। हमारे गंगानगर में बहुत आंधी आती है। हाँ भाई राजस्थान में गंगानगर तो आती है, यहाँ पे भी आती है, अभी तो थोड़ा खुल गया आसमान। यूनिकॉर्न मेरे पास पूरे 100 से ज़्यादा प्लांट है पर सबकी केयर नहीं होती, कुछ सूख जाएंगे। देखिए ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सभी की केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास भी बहुत सारे इस बार, इसलिए मैंने सारे जो यहाँ पे मैं ले आया, क्योंकि गार्डन एरिया में यार इनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल था। उर्वशी जी आपका एक मैसेज लेट हो गया तो ये मत कहना कि मैंने रिप्लाई नहीं किया। जीवन जी कहते हैं टोमेटो के प्लांट्स पर फ्लोर्स आते हैं फ्रूट्स नहीं, क्यों? देखिए टमाटर पे अगर फ्लोरिंग आ रही है तो फ्रूटिंग भी होगी, ऐसी बात नहीं है। पोलिनेशन की वजह से ऐसा हो सकता है, या आपने पानी जो अच्छे से नहीं देते तो फूल गिर जाते हैं। मैं मिर्च के सीड्स ग्रो नहीं, क्यों, क्या किया जाए? देखिए अगर आपके मिर्च के सीड्स ग्रो नहीं कर रहे तो ऐसा हो सकता है आपके सीड्स खराब हो, ऐसा हो सकता है आपके जो सोइल है वो वेल ड्रेन ना हो। जब वेल ड्रेन सोइल नहीं होगा और पानी उसके अंदर भरा रहेगा तो सीड जो सड़ जाएगा। मनोज जोशी कहते हैं मेरे पास कुछ फ्लोरिंग प्लांट्स हैं जिनके नाम नहीं जानते, उनकी केयरिंग के बारे में कैसे पूछ सकती हूँ? मनोज जी आप मुझे इंस्टाग्राम पे उनकी फोटो जो है वो क्लिक करके सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका नाम और उनकी जो केयर है वहाँ पे बता दूंगा। लेकिन फोटो जो है वो क्लियर होनी चाहिए, लीफ जो है साफ आए उसके अंदर, अगर फूल है तो फूल साफ आना चाहिए। साक्षी गोयल कहते हैं मेरे गंदराज और फ्लोर्स ही आ रहे हैं, गंदराज में फ्लोर आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, किसी में तो फूल आ रहे हैं आपके। बता दीजिए आप बिना पंखे के बैठे थे इसलिए मौसम ने आपके साथ दिया और आगे तूफान आ गए, भगवान आपके साथ है, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी शुक्रिया बत्रा जी। हाँ अब मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, मुझे यहाँ बैठ के बिल्कुल एसी जैसा नज़ारा आ रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी आवाज़ चल रही है। तला जी कहते हैं डेफेन डेफेन की प्रोपोगेशन कैसे, यानी कि आप डंप कैन की बात कर रहे हैं? देखिए उसकी प्रोपोगेशन के लिए आपके पास प्लांट अच्छा होना चाहिए, प्रोपोगेशन के लिए आपको कट करना पड़ेगा उसके स्टेम को, फिर वो ग्रो होगा। और टमाटर के सीड्स भी, भाई टमाटर के सीड्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आपकी क्वेरी क्या थी पहले मुझे अभी ये ध्यान नहीं है, अगर सीड्स लगाने की पूछ रहे हैं तो लगा सकते हैं। साल में कुछ हाउ टू ग्रो स्नेक प्लांट, देखिए स्नेक प्लांट को लीव से आप मैंने बताया कट करके पानी के अंदर रख दीजिए, उसमें रूट्स आ जाएगी। और आप चाहें तो उसको सीधा सोइल में लगा सकते हैं, जब सोइल में लगाएं तो वेल ड्रेन सोइल हो, अगर हो सके तो जो रिवर सैंड है वो यूज़ करें। साक्षी गोयल अपना मोबाइल नंबर दीजिए, साक्षी जी मोबाइल नंबर मैं दूंगा तो देखिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सभी अगर कॉल करेंगे तो मैं फिर सारा दिन फोन जो है फोन में लगा रहूंगा और जो वीडियोज है वो नहीं बना पाऊंगा। तो साक्षी जी आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है मामल बोन सही, वहाँ पे आइए, वहाँ पे आप मुझे जो है मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे क्या प्रॉब्लम आपकी। ताला जी कहते हैं मैंने मनी प्लांट रूम में रखा है, उसका पत्ता येलो हो रहा है, मनी प्लांट का। देखिए मनी प्लांट के पत्ते अगर येलो हो रहे हैं इट्स मीन आप उसको जो प्रॉपर लाइट नहीं दे रहे और पानी जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, तो चेक कीजिए। मंजू जोशी कहते सर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो प्लीज, गुलाब के फ्लोर से अच्छे से निकलते। देखिए इस टाइम पे जो है फूलों का साइज जो कम हो जाता है, इसलिए वो आपको लग रहा है कि अच्छे से निकलते। गर्मी में फूलों का साइज ऑटोमेटिक कम हो जाता है, सर्दियों में देखिएगा वो बढ़ जाएंगे। स्पाइडर माइट्स का इलाज प्लीज, देखिए स्पाइडर माइट्स के लिए वैसे तो मार्केट में काफ़ी आपको दवाइयाँ मिल जाएगी, वो आप लगा यूज कर सकते हैं। और आप देसी तरीका अपना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो नीमो स्प्रे है वो आप कर सकते हैं। देखिए आप सबसे, मैंने आपको
शायद मैंने वीडियो बनाया नहीं। चलिए मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि सबसे पहले आपको जो देसी इलाज है वो क्या करना चाहिए। कुछ चार पांच मैं आपको इस तरह से चीजें बता दूंगा जैसे हमने लास्ट टाइम जो फर्टिलाइजर का बताया था वैसे। वेदांत जो कहते सर फालसा अभी ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन फालसा का प्लांट यहाँ मिलता नहीं, और आप कैसे ग्रोथ करने कह रहे हैं, सीड से लगाना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी मतलब लगाइए, कटिंग लगाना चाहते हैं तो भी आप रुक जाइए। साधना गुप्ता कहते हैं फोटो नहीं आ रहा है। हाँ फोटो मैंने वो पीछे जो तूफान आ रहा था उसका कर दिया था, उस टाइम पीछे से आपको प्रॉब्लम हुई होगी। चित्रलेखा जी कहते हैं मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन थोड़ा बिजी थी लास्ट वीक इसलिए मिस कर दिया वीडियो, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। ओके चित्रलेखा जी कोई बात नहीं, मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, बाद में देख सकते हैं, मुझे लगा शायद आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप देख लीजिएगा बाद में। सर मेरे चाइनीज प्लांट में 2 ईयर से फ्रूटिंग नहीं हो रही है। देखिए पहले होती थी या अभी नहीं हो रही, तो ये कंफर्म कीजिए कि एक बार भी नहीं हुई या अब नहीं हो रही। ओके पूनम बीज कहते हैं बीज से लेमन को प्लांट पर फ्रूट कब तक आएंगे? देखिए 5 साल 6 साल 7 साल जब उसकी एज कंप्लीट होगी तब लगेंगे, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा या आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं उस पर। चित्रेश जायसवाल कहते हैं सर सकुलेंट को इंडोर इनडायरेक्ट लाइट में ग्रो कर सकते हैं? भाई सकुलेंट इनडायरेक्ट लाइट में मत कीजिएगा, वैसे तो सकुलेंट को जो है फुल सनलाइट में ग्रो करना चाहिए, लेकिन तेज हीट है तो ऐसे में आप इंडोर रखते हैं तो उसको ब्राइट लाइट अच्छी मिलती हो या खिड़की पे जहाँ धूप आती हो वहां पे रख सकते हैं। जुलाई में कौन से फ्लोर उगाए? देखिए सुधीर जी जुलाई आने दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, तो अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सही टाइम पे जो वीडियो है बना दूंगा। अरमेंडा पे फ्लोरिंग ही आ रही है, प्लीज हेल्प। नहीं आ रही है। देखिए साक्षी जी मुझे फोटो दिखा दीजिएगा प्लीज, मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम पे, मुझे आप जो आपका प्लांट है उसकी जो पोर्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि ये पोर्ट है आपको दिख रहा है, इसमें सारे पत्ते गिर गए, इसके पत्ते जो जल गए थे, क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि मैंने इसमें जो ओवर फर्टिलाइजर किया था मैंने लास्ट टाइम बताया था इस वजह से। तो अगर मैं इस तरह से आप मुझे पोर्ट और पोर्ट के अंदर का जो सोइल है वो दिखाएंगे तो मुझे जो है आइडिया हो जाएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। ओके भाई अभी कौन सी फ्रूट प्लांट पुन कर सकते हैं? देखिए अभी कोई भी प्रूनिंग करने के, अगर आप आपके लोकल में मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज टूल्स के लिए मैंने मेरा एक वीडियो डाला था कि कौन कौन से टूल्स गार्डन के लिए जरूरी है, वो वीडियो आप देख लीजिए, उस वीडियो में आपको टूल का भी पता चल जाएगा कि कौन से टूल्स जरूरी है गार्डन के लिए, और उसके नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप उनको खरीद सकते हैं टूल्स को। और फिर भी आपको नहीं मिलते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन आप कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं। भाई अभी कौन से प्रोडक्ट प्रून कर सकते हैं? भाई जी फाइकस नूडा बोनसाई के लीव्स रिपोर्ट के बाद जल रही है फुल सनलाइट में प्रूनिंग कर। भाई मैंने बता दिया अभी कोई प्रूनिंग मत कीजिएगा, एनसीजी गेम एक एक चीज़ को आपने बहुत बार लिखा है। ओके प्रगति सिंह कहते हैं घर पर पोर्ट में स्पॉन बंद बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं लोटस के लिए आप। रिचा जी कहते हैं क्या मैं इस टाइम जेड प्लांट लगा सकती हूँ? हाँ लगा सकते हैं, जेड प्लांट लग जाता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, उसको ब्राइट लाइट में रख दीजिए, टाइम नहीं है। भाई स्नेक प्लांट की हाइब्रिड येलो वैरायटी से नॉन हाइब्रिड प्लांट है या पूरा ग्रीन होता है? देखिए जो येलो वाला आई थिंक उसमें येलो निकलना चाहिए, वैरायटी अलग है, अगर आप बेबी प्लांट लगे उसके अंदर ग्रीन निकलेंगे, मैंने दोनों लगा रखे हैं, जो येलो वाला है उसमें अभी बेबी प्लांट नहीं आया है, जो सिंपल है उसमें तो आ चुका है। पूछा है कि उनके बैंगन के फूल गिर जाते हैं, ओके दीपक जी बैंगन के फूल गिर जाते हैं उसके पीछे हो सकता है इस तरह की चीजें। अनिता माथुर जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप? गौरव सिंह भाई आप एक क्रिसमस प्लांट, नहीं क्रिसमस प्लांट की बात करें तो प्लांट मेरे पास नहीं है, क्रिसमस जो ट्री है वो यहाँ पे है, दो तीन प्लांट मेरे पास। अंजू मैदान मेरे अनार के फ्लोर गिर रहे हैं, देखिए ज्यादा पानी मत दीजिएगा। निर्मला जी कहते हैं सर रबड़ प्लांट में कटिंग से लगाया था वो सूख गया है क्या करूं? देखिए सही टाइम पे आपने नहीं लगाया होगा, फरवरी के अंदर आप लगाते तो अच्छा रहता है या अक्टूबर में लगेगा। टोमेटो कैसे लगाएं? टोमेटो को सीड से लगा सकते हैं आप, हाँ सीड से लगा दीजिए। 9 o'clock प्लांट में येलो हो रहा है, ठीक है उसके अंदर ये प्रॉब्लम इस वजह से आएगी अगर आप उसके अंदर पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो। यूनिक गार्डन बाय ब्रिंजल्स को कब ग्रो किया जाए? देखिए ब्रिंजल्स की सीडलिंग आप अभी भी लगा सकते हैं। साक्षी गोयल 3 साल का, साक्षी 3 साल का कौन सा प्लान था, क्या क्वेरी थी मुझे अब समझ नहीं आया, आप पहले जब क्वेरी करें जो पहले वाली तो वो भी बताया करें तभी मुझे पता चलेगा आपने क्या पूछा था, क्योंकि तो मैं इतनी क्वेरी पढ़ रहा हूँ मुझे बाद का ध्यान नहीं रहता कि मैंने क्या पढ़ा था। ओके
व्हाट टू डू व्हेन योर स्नेक प्लांट इज नॉट ग्रोइंग। देखिए स्नेक प्लांट जो है बहुत ही इजिली ग्रो करता है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो इट्स मीन आपके सोइल के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि स्नेक प्लांट को आप इंडोर रखिए, ब्राइट लाइट में रखिए, अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देगा वो। एग्लोनेमा, स्नो वाइट के पत्ते झड़ रहे हैं। देखिए पत्ते अगर गिर रहे हैं तो ज्यादा पानी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। बाकी मीना जी आप मुझे फोटो दिखाइएगा प्लांट की। मोस्टली प्रॉब्लम जो है सोइल के अंदर भी होती है, क्योंकि आप पानी ठीक से देते हैं लेकिन आपका सोइल ठीक नहीं होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। नेहा सैनी कहते हैं मेरे मैरीगोल्ड सूख रहे हैं, प्लीज बताइए। देखिए मैरीगोल्ड को अगर आपने फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे काफी तेज गर्मी है, आपने पॉट वगैरह में लगा रखा है तो ऐसा हो सकता है। जो मैरीगोल्ड है उसको एक तो सोइल के अंदर हल्की नमी चाहिए और उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए, ज्यादा तेज टेम्परेचर ना हो। साक्षी को लास्ट लास्ट ईयर फ्लोरिंग हुई थी। उर्वशी 22 फुट का मुझे पता नहीं, पैदल चलोगे तो मैं कभी गया नहीं मुंबई, कभी जाएंगे तो पता चलेगा, वो भी मैं पैदल तो जाऊंगा नहीं, मैं तो या तो बाय उसे फ्लाइट या ट्रेन से आना होगा। मैं आ गया भाई, लेट हो गया था शायद, कोई बात नहीं। प्लांटेरियम देर आए दुरुस्त आए, गुड इवनिंग। हर्षा जी कहते हैं कैन वी डू एयर लेयरिंग ऑन एक्सोरा फ्लोरिंग प्लांट्स इन विच सीजन। देखिए रेनी सीजन में आप ट्राई कीजिएगा। साक्षी जी आप लाइव चैट करते हो, साक्षी जी लाइव चैट ही कर रहे हैं अभी हम। अच्छा इंस्टाग्राम पे, अगर इंस्टाग्राम पे आप कुछ इस तरह करेंगे तो देखते हैं वहाँ पे, पहले आप वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे बताना। अभी जो आप बता रहे हैं वो सब मैं भूल जाऊंगा, तो यहाँ पे बताने की कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं इतनी क्वेरी रीड करता हूँ तो मुझे बाद में ध्यान रहता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम थी, तो इस करके आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा तो वहाँ पे देखते हैं इंस्टाग्राम पे। राज एक्टिंग कहते हैं सर कोई भी प्लांट की सोइल, और वहाँ पे जब आप इंस्टाग्राम पे आएंगे तो वहाँ पे हम आराम से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि सारों को एक साथ रिप्लाई करनी होती है। राज एक्टिंग सर कोई यार वीडियो बहुत ऊपर गए, अभी मेरी मत कीजिएगा प्लीज। लास्ट फ्लोरिंग में ओके आ गया, मुंबई का हो गया, मुंबई कैन डू लिंग एक्सो प्लांट आप लाइक करते हैं। हाँ सोइल का मैंने बता दिया आपको, जो वेल ड्रेन सोइल हो और उसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट और कोकोपीट आप ऐड कर सकते हैं, बस काफी है। भाई बारिश आई हुई है क्या? भाई बारिश साइड में कहीं हुई होगी, यहाँ पे तो नहीं हुई लेकिन हल्की सी ठंड ठंडी हवा आ रही है अभी फिलहाल। मेरे मैंगो प्लांट के लीफ बर्न हो रहे हैं, देखिए इनके अंदर एक थ्रिप्स नाम का एक जो इंसेक्ट है उसकी वजह से भी ऐसे हो जाते हैं प्लांट। आप उनके पत्तों के नीचे देखें छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि उनका रस चूस लेते हैं। बाकी और भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो प्लांट को देख कर ही पता चल सकता है यार। दादरी में बारिश आई हुई है, परविंदर शर्मा ओके, दादरी में बारिश हुई है तभी ठंडी हवा रही है, क्योंकि दादरी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर दूर है बस। निर्मला जी कहते हैं मेरे मेरे रबड़ प्लांट लगाए हैं वो सूख रहा है अब। देखिए कटिंग से आपने लगाया तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सही टाइम पे आपने नहीं लगाया। साधना को तो कहते हैं हाउ टू रिमूव मेलीबग फ्रॉम प्लांट्स। साधना जी देखिए इस पर मेरा एक वीडियो है, प्लीज जाके चेक कीजिए। नया सैनी क्या तरबूज गोबरी खाद में उगा सकते हैं? हाँ गोबरी खाद में तरबूज अच्छे से होगा लेकिन कच्चा गोबरी खाद ना हो। टिकोमा की ड्राफ्टिंग की कब की जाती है? ग्राफ्टिंग क्या कहना चाहते हैं आप? ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए जब ग्रोइंग पीरियड हो उसका उस टाइम पर आप कर दीजिएगा। सर रबड़ प्लांट का हुआ है। रवि जी कहते हैं लौकी में फ्रूट कीड़े लग रहे हैं। देखिए इस पर रवि मेरा एक वीडियो है, प्लीज आके आप चेक कीजिएगा चैनल पे। सब बैंगन पर सफेद कीड़े हो जाते हैं फूल नहीं आ रहे। देखिए सफेद कीड़े आई थिंक आप जो है स्टेम बोरर की बात करें वो स्टेम के अंदर भी चले जाते हैं और ऊपर से जो गोब है उसकी नई जो ग्रोथ है वो इस तरह से गिर जाती है, फ्रूट के अंदर भी चले जाते हैं, तो उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है वो चेक कर लीजिएगा। बाकी इसके अंदर एक वो आती है दवाई यार कोरोजिन आती है, वो वैसे तो काफी कॉस्टली है, वो वैसे नहीं डालनी चाहिए अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हैं तो। मैं तो ये कहूंगा कि इससे अच्छा तो कीड़ों को आने दीजिए, उनका मैनुअली इलाज कर लीजिए, क्योंकि वो अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं जल्दी से ये चीज़ें बताता नहीं क्योंकि नुकसान करती है हम सबको। तो अगर आप गार्डनिंग भी कर रहे हैं फिर क्या फ़ायदा दवाई देके करेंगे तो। राजस्थान क्लाइमेट में अभी कौन से बीज लगा सकता है? लगा सकते हैं, देखिए मैं किसी कौन से बीज, यानी कि फ्लोरिंग की बात कर रहे हैं, वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, फ्रूटिंग की कर रहे हैं, वो तो बताया नहीं आपने। बिट्टू कुमार कहते हैं सर
ग्रेप फ्रूट पक नहीं रहे हैं, क्या करें। देखिए इस बार जो गर्मी है वो कम पड़ी है, लूए जो है वो नहीं चली, इस वजह से ऐसा हो सकता है। परविंद शर्मा भाई ये तेज बारिश आई हुई है, चलो ओके यहाँ तेज बारिश, चलो अच्छी बात है, वहां पे मौसम ठंडा हो गया होगा, यहाँ पे भी कुछ तो ठंडक मिलेगी। हाइड्रोपोनिक पे कुछ वीडियो बनाई, देखिए हाइड्रोपोनिक जो है वो क्या है, जैसे अगर बड़े सेटअप की बात करें तो उतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, छोटे सेटअप के लिए बहुत सिंपल है यार। पानी के अंदर आपको उसके न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, और पॉट को कोई छोटे जो इस तरह के गिलास होते हैं, इस तरह से गिलास ले लीजिए, और पानी जो है नीचे होना चाहिए उसके अंदर कोई सीट रखकर उसके अंदर गिलास रख दीजिए इस तरह से, और जो इसका ये हिस्सा है ये पानी के अंदर टच होगा, उसमें प्लांट जो आपके ग्रोथ होंगे पानी के थ्रू आप दे सकते हैं। अभी और क्वेरी मत कीजिएगा सर, मैंने स्टेविया का बीज मंगवाया है, उन्हें कैसे और कब ग्रो करेंगे। देखिए स्टेविया का बीज तो मैंने खैर कभी ग्रो नहीं किया, प्लांट जो आते हैं, बाकी आप सीड्स ग्रो करें तो आई थिंक जो अभी रेनी सीजन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमली की बोनसाई की वीडियो बनाइए, देखिए इमली की बोनसाई की मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, चेक कर लीजिएगा। मेरे हार सिंगार के प्लांट में पत्तियाँ निकलती है, काली पड़ जाती है, सूख रही है, समाधान बताइए। देखिए ऐसा या तो तेज हीट पानी ढंग से नहीं देने की वजह से ऐसा हो सकता है, तो आप मुझे प्लांट की फोटो दिखानी पड़ेगी सोइल के साथ। राज एडिटिंग कहते हैं ब्रो प्लांट की सोइल कैसी होनी चाहिए। देखिए प्लांट की सोइल ऐसी होनी चाहिए जो वेल ड्रेन हो, यानी कि पानी जब आप उसमें डालें तो पानी सारे सोइल से होता हुआ नीचे गुजरना चाहिए, ये नहीं कि बीच का जो रूट बाल है वो चिकनी मिट्टी का है, साइड होगा वेल ड्रेन है तो साइडों से तो निकल जाएगा लेकिन रूट बाल को जो है पानी नहीं मिल पाएगा तो खराब हो जाएगी। सर मैंगो की कौन सी वैरायटी लगाएं, भाई जो आपको अच्छी लगे वो लगा लीजिएगा, मुझे पता नहीं आपके वहाँ पे कौन सी मिलती है, दशहरी जो है वो ज़्यादा फेमस होता है ज़्यादा। सर ग्रेप फ्रूट पक नहीं रहे, सर कौन मैंगो प्लांट में जिसमें फ्रूट आए। देखिए निर्मला आनंद जी जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं वो आप लगा लीजिए पॉट के अंदर तो उसमें फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंगो बोनसाई के सोइल पर कैसे बना सकते हैं, मैंग इस पर मेरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि बोनसाई का सोइल हम कैसे बना सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिए, या मेरी वेबसाइट है mamabonsai.in, वहाँ पे आपको लिखित में मिल जाएगा, यानी कि आर्टिकल लिखा हुआ है हिंदी में, वो आप चेक कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग भाई प्लीज बनाए, मुझे इमली की बोनसाई बनानी है, तो भाई मेरे चैनल पे जाइए, इमली का बोनसाई के वीडियोस मेरे काफी हैं, वो चेक कर लीजिएगा आप, फिर उससे आपको काफी नॉलेज मिल जाएगी। ओके क्या मिनट में डीपी देना चाहिए, देखिए दे सकते हैं लेकिन अभी जो सीजन है वो मत दीजिए, गर्मी काफी तेज है। भवेश शाह हेलो कैसे हैं भवेश भाई, राज जवाब ना देने के लिए थैंक्स ब्रो, ना देने के लिए भाई मैंने जवाब दे दिया और फिर भी आप थैंक्स कह रहे हैं ना देने के लिए। राज शेख हेलो, अखिल जी कहते हैं सर मैंगो के फ्रूट में फंगस लग गई है। देखिए फंगिसाइड आप यूज क्या करें प्लांट के अंदर, पंकज भाई विजय भाई मेरे यहाँ प्लीज प्याज की फैक्ट्री शुरू है, मैं काम पे हूँ, फोटो भेजूंगा प्याज के वेफर की इंस्टा पे। ओके भाई जरूर भेजना, और आप टैग स्टोरी में डाल दिया करो, स्टोरी जब डालते हो तो उसको टैग वो वहाँ पे जो मेंशन करते हैं वहाँ पे मामा बॉम सही टैग कर दिया करो, फिर मैं अपनी स्टोरी में उसको ऐड कर लूंगा। ओके मनी प्लांट ग्रो नहीं हो रहा, मनी प्लांट ग्रो नहीं हो रहा, कब लगाया था कैसे लगाया था। ब्यूटी टिप्स कहते हैं भाई आजकल गुड़ैल लगा सकते हैं, देखिए आप नर्सरी से लाके लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी कटिंग वगैरह अभी ट्राई ना करें तो अच्छा होगा। नेहा सैनी क्या आप रोज कटिंग लगा सकते हैं, अभी मत लगाइएगा नेहा जी, थोड़ा मौसम ठीक होना चाहिए, रेनी सीजन में या अक्टूबर में लगाइएगा। धर्मराज कहते हैं मेरे हासिंगा के प्लांट पतिया निकल, ओके ये तो हो गया, क्या गुडले कटिंग लगा सकते हैं, अरे गुडले कटिंग अभी ना लगाएं तो अच्छा होगा। किचन वेस्ट की खाद कैसे बनाएं, इस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे। आपके पास प्लास का प्लांट है, देखिए प्लास का प्लांट नहीं वो काफी बड़ा होता है, वैसे आई थिंक मैं सोच रहा था कभी लेके आएंगे, उस पर जो फ्लोरिंग है वो काफी अच्छी आती है। नमस्ते शख्स जी, विशेष उससे था कटिंग चांदनी की लगा सकते हैं क्या इस टाइम, देखिए पानी के अंदर लगा सकते हैं, पानी के अंदर रख देंगे तो उसमें रूट्स आ सकती है और उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं। वाह डन हमने कर दिया, सारे कंप्लीट हो गए और 1 घंटा हुआ हमें। लास्ट मैसेज जो है तारा जी का है, गुड गार्डनिंग टूल कहाँ से ले। तारा या था मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ओके क्रिसमस ट्री पर वीडियो ओके बनाएंगे, कब लगाना चाहिए कटिंग, देख कटिंग के लिए रेनी सीजन फरवरी का फरवरी में और जो अक्टूबर है उसमें। बॉलीवुड में राम राम भाई, राम राम पैट्स इंफॉर्मेशन। ओके दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, मजे कीजिए, बाय टेक केयर। किसी की क्वेरी रह जाए तो भाई पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे आ जाना, मम्मल बोन सही फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे।